जावल में 1 करोड़ की लागत से 67 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इसके साथ ही 157 ट्रांसफार्मर लगाने पर सहमति बनी है। ये बात उपयंत्री ने प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर की समीक्षा मीटिंग के दौरान कही है। नीमच जिले के जावल क्षेत्र में 1 करोड़ की लागत से 67 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए। आगामी दिनों में 157 ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे। जानकारी प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व और धार्मिक न्यास तथा जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर की अध्यक्षता और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की मौजूदगी में सर्वान्य महाराज में शनिवार को ब्लॉक स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक में विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री द्वारा दी गई। बैठक में कलेक्टर मयंक अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ गुरुप्रसाद और विभिन्न विभागों के जिला व विकास खंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने निर्देश दिए कि सभी विभागों के अधिकारी समय सीमा में कार्य पूरा करवाए, बैठक में लिए गए निर्णयों निर्देशों पर अमल कर अवगत कराए। बैठक में मंत्री सखलेचा ने विद्युत मंत्री कंपनी के अधिकारी को निर्देश दिए कि क्षेत्र के जिन गांवों में घरों के ऊपर से विद्युत लाइन जा रही है उनका सर्वे करवाकर लाइन शिफ्टिंग के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाएं। उन्होंने जावद स्टेशन रोड पर अनुपयोगी विद्युत लाइन को हटाने के भी निर्देश दिए।